हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 5 हिंदी सुरभि का लेसन 10, कंजूस मक्खी चूस। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसमें वह अपनी कंजूसी करता है और कंजूसी के कारण उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ दिन हुए दिल्ली में एक कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि चूल्हे की राख भी नहीं फेंकता था। उसकी पत्नी तक उसकी कंजूसी से तंग थी, क्योंकि उसे भरपेट खाने को भी नहीं होता था। एक दिन कंजूस ने अपने घर एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कंजूस ने कभी किसी को भोजन पर निमंत्रण नहीं दिया था। जब पड़ोसियों को यह पता चला तो वो चकरा गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कंजूस भी किसी को दावत दे सकता है। कंजूस का मित्र निश्चित समय पर उसके घर पहुंचा, लेकिन कंजूस के घर अभी चूल्हा तक नहीं जला था। मित्र परेशान, उसकी समझ में नहीं आया कि वह खिलाएगा क्या। कुछ देर तक तो इधर उधर ताक झांक करता रहा। जब उसे निश्चय हो गया कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने विस्मित होकर कंजूस की ओर देखा। कंजूस सारी बात समझ गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, घर में भोजन अच्छा नहीं बनता, क्यों ना बाजार चलकर भोजन किया जाए। चलो बाजार चलें। मतलब क्या हुआ, उसने जब देखा कि वो समझ गया है, तो वो अपने दोस्त से कहता कि चलो अपन बाजार चलते हैं। मित्र ने यह सुना तो बाजार की चटपटी गर्म और स्वादिष्ट चीज़ों को याद करके उसके मुंह में पानी आ गया। वह कंजूस के साथ खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते वे एक हलवाई की दुकान पर पहुँचे। हलवाई की दुकान तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की चीज़ों से सजी हुई थी। एक और थाल में गरम गरम समोसे रखे थे। मित्र ने समोसे की ओर इशारा किया। कंजूस ने हलवाई से पूछा, भाई ये समोसे कैसे हैं? हलवाई ने उत्तर दिया, मेरे समोसे खस्ता करारे चटपटे हैं, बिल्कुल इन कचौरियों की तरह। कंजूस मित्र ने कहा, मित्र समोसे से अच्छा तो कचौरी खाना है। मित्र ने हामी में सिर हिला दिया। कंजूस ने फिर हलवाई से पूछा, और भाई ये कचौरियाँ कैसी हैं? हलवाई ने मूँछों पर ताव देते हुए कहा, मेरी कचौरियाँ खस्ता करारी और चटपटी हैं, साथ ही पूरियों की तरह गर्मा गर्म भी हैं। यह सुनकर कंजूस ने कहा, मित्र मुझे तो कचौरियों से अच्छी पूरियां ही लग रही हैं, क्यों ना पूरियों में ही समोसे और कचौरी का मज़ा एक साथ लिया जाए। मित्र ने खुशी खुशी से फिर सिर हिला दिया। कंजूस ने फिर हलवाई से पूछा, अच्छा भाई तुम्हारी पूरियां कैसी हैं? हलवाई ने 2-3 पूरियां कंजूस को दिखाते हुए कहा, मेरी पूरियां मक्खन जैसी मुलायम और नरम है, कितनी दे दूं सेठ जी? कंजूस ने मुस्कराते हुए कहा, भाई हम तो बढ़िया चीज़ खाने आए हैं, तुमने पूरियों को मक्खन जैसा बताया, इसका अर्थ है मक्खन पूरियों से बढ़िया हुआ, अब तो हम मक्खन ही खाएंगे। आज मित्र मक्खन की दुकान पर चलते हैं। इतना कहकर कंजूस आगे चल दिया। मित्र उसके पीछे पीछे चला। दोनों मक्खन वाले की दुकान पर पहुंचे। कंजूस ने मक्खन वाले से पूछा, भाई तुम्हारा मक्खन कैसा है? मक्खन वाले ने कहा, मेरा मक्खन बिल्कुल ताज़ा है, कैसा बर्फ़ की तरह चमक रहा है। कंजूस ने हंसकर कहा, भाई हम तो बढ़िया चीज़ के ग्राहक हैं, तुम बर्फ़ के से मक्खन की तुलना किए, अब तो हम बर्फ़ ही खाएंगे। मित्र का को क्रोध तो बहुत आया, मगर कहता क्या, चुपचाप कंजूस के साथ चल दिया। कुछ दूर जाकर कंजूस ने कहा, मित्र आजकल सर्दियों का मौसम है, बाजार में बर्फ़ कहाँ मिलेगी? मेरी पत्नी हर रोज़ रात को परात में पानी भरकर मकान की छत पर रख देती है।
सुबह होने तक वह बर्फ़ बन जाती है। चलो घर चलकर बनी बर्फ खाएंगे। कंजूस ने घर आकर धूप में चारपाई बिछा दी। उसने पत्नी को आवाज़ दी, जरा परात में जमी बर्फ तो ले आओ। उसकी पत्नी वह बर्फ पहले ही खा चुकी थी। कंजूस ने कहा, कंजूस ने यह सुना तो वह झट ही मित्र से बोला कि कुछ देर में पानी ही बन जाता है, फिर क्यों ना पानी ही पी लिया जाए। और यह देखकर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पानी से बढ़िया चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बच्चों, इस भाग में हम कहानी के आगे का पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद समझेंगे। तो क्या हुआ, जब वो लोग, कंजूस जो था वो अपने दोस्त को बाज़ार घुमा के ले आया, पानी बर्फ भी ख़त्म हो गई थी, तो उसने क्या कहा कि हम पानी पी लेंगे, पानी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो मित्र ने कहा कि ठीक है भाई, पानी ही पिला दो, क्योंकि उसे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। कंजूस ने खड़े में से पानी का गिलास भरा, मुस्कुरा कर अपने मित्र को थमा दिया। मित्र भूखा तो था ही, किंतु बाजार की खाक छानते उसका गला भी सूख गया था। वह गटागट पानी पी गया और पानी पीकर वह कुछ कहे बाहर निकला। पड़ोसियों ने उसे घेर लिया, वे पूछना चाहते थे कि कंजूस ने उसे क्या क्या खिलाया। जब उन्हें पता चला कि कंजूस ने पानी ही पिलाया तो वे हंस पड़े। तभी भीड़ में से एक कोई बोला, हंसते क्यों हो, कंजूस ने पानी पिला दिया, यह भी कम बात नहीं है। कंजूस घर के भीतर बैठा यह सुन रहा था, मगर उसके ऊपर असर क्या होना था। काले कंबल को धोने पर वह सफ़ेद थोड़े ही हो जाता है। मतलब कंजूस इतना अधिक बेशरम था कि उसकी बुराई करने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद हम देखेंगे इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ। इसमें पहला शब्द है नसीब ना होना, मतलब कोई चीज़ ना मिलना। विस्मित, आश्चर्यचकित होना। मूछों पर ताव देना, यानी गर्व करना। ये एक मुहावरा है कि दुकानदार ने अपनी मूछों पर ताव देकर कहा, मतलब उसने गर्व से कहा। ताक झांक करना, यानी इधर उधर देखना। जैसे कि उसके मित्र को भूख लगी थी तो वो अपने कंजूस मित्र के यहाँ घर में ताक झांक कर रहा था। हामी भरना, यानि स्वीकार करना। उसने, जैसे कि उसने मित्र ने कहा कि ठीक है पानी पी लो, तो उसने वह हामी भर दी। खाक छानना, हैरान होना, कुछ खोजना। मतलब यहाँ वहाँ जब चीज़ गुम जाती हैं तो उसको खोजते हैं, तो हम कहते हैं कि हम तो खाक छान रहे थे। इसके बाद हम शुद्ध लेख देखेंगे। आमंत्रित, ताक झांक, विस्मित, ये शब्द कठिन शब्द हैं और आधे हैं। देखिए, आधे आधे शब्दों से बने हुए शब्द हैं, इसलिए आपको इन शुद्ध लेख के सभी शब्दों को 5-5 बार अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर का सलूशन भेजेंगे।